सुबह कितना बज रहा है? गाड़ी इसमें देखिए ना, 11:30 बज रहा है गाइज। और कहते हैं कौन सी तारीख है, 3 तारीख है आज। देव दिल्ली जा रहे हैं शाम को और इनका एटीएम में पासवर्ड रीसेट करना, बैंक ऑफ बड़ौदा गए थे, पासवर्ड इनका रीसेट करनी। पासवर्ड बता दे गाइज को, कार्ड पाने वाले। तो फिर अभी उसके बाद हम लोग जा रहे हैं गेड़ी मारने, जा रहे हैं गेड़ी मारने। तो ये अभी कैमरा जाएगा देव के हाथ में, फिर वो आगे संभालेंगे। तो गाइज हम आपको बता दें, साकेतपुरी वाली रोड है, ये जाएगा। ये देख के लग रहा है जाएगा, इसका शुरू हो चुका है, अद्धा अद्धा निकलना इससे। एक ये पार्ट बन गया, ये हम लोग आ जाएंगे गाइस। हम लोग यहाँ यहाँ रहते नहीं गाइस, फ्यूचर पर्पस के लिए जो है हम लोग अब बाहर गेड़ी मारते हैं, बाहर गेड़ी दिल्ली में। अलाहाबाद ये हम आपको बता दें, उदया वाला रोड है ये अयोध्या में आपका आगमन, हार्दिक स्वागत। दीपोत्सव ब्लॉग जरूर देखेंगे अगर आपने मिस कर दिया है। मैंने तो दीपोत्सव मिस कर दिया था गाइस। मैं भी वही ब्लॉग देख के सब जान पाया। पर आगे नया नई जगह खुला है, कब इसकी ओपनिंग हुई हमें नहीं पता, लेकिन गाइस ये नया है, पुराना ये था ना गुल्लू भैया? अच्छा नहीं, पुराना ये नहीं था, ये पराग क्या हो गया है? ये पराग वाले लगता है कंफ्यूज है। पहले हम आपको बताया ये इनिशियली ये था पराग, मतलब पहले ये था, अब ये खत्म है, अब ये खत्म है, बुरी तरह से खत्म है। पहले यही था, ये भी चलता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों इन लोगों ने जगह। ये देखिए छात्र संघ यहाँ पे, ये साकेत महा विश्वविद्यालय, शेखर सोनी को शाउट आउट है, यहाँ पढ़ता है शेखर सोनी मेरा दोस्त। पता नहीं बेचारा किस हालत में कहाँ होगा, किस कोने में कहाँ खड़ा होगा। ये यहाँ का जिला अस्पताल है, इसमें मुझे लगता है जल्दी पेंट हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ये दीवानी। देखिए गाइस, अरे भाई कुछ बचा ही नहीं गुल भैया, सोचिए इसके आगे घर भर था, पूरा पूरा घर था। ये अब देख सकते हैं आप कितनी कम कम क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, तो गिराना ही पड़ेगा। ये अब बस गिरे वो है ना, इसे छोड़ेंगे थोड़ी ऐसे, चाहे रोड चौड़ी हो चाहे जो, ये बचेगा, ये बचा ही नहीं है कुछ। क्या इसमें क्या करेंगे? ये हनुमानगढ़ी का रास्ता, ये हनुमानगढ़ी का रास्ता है, इधर से आप पैदल पक जाते। और अभी हम लोग को समझ नहीं आ रहा कि इतनी चौड़ी होने के बाद भी ये चौड़ी होगी, अभी तो काम भर का तोड़ा गया है और ये सब ऐसे तो छोड़ा नहीं जाएगा कि रोड और उनके किनारे ये सब साफ होगा और बहुत बहुत अलग निकल के आएगा। अरे कुछ भी कहीं भी चाह रहे आप, भूकंप आया, भूकंप आया, बमबारी हुई है यहाँ पे, मस्जिद मंदिर है, मंदिर है गली ऊपर कलश है शायद, शायद क्या मंदिर ही है, मंदिर को भी नहीं वक्त आ गया, मंदिर मस्जिद सब टूटेंगे तब विकलता चौक आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था वर्चुअली, ये गुलमिया वायर वायर ना होता और सही लगता है ना। तो गाइस हम लोग एंट्री कर चुके हैं राम की पैड़ी पे, ये देखिए यार गुलमिया, ये लीगल है यहाँ से जाना। अबे वीआईपी एंट्री है भाई, अभी कितनी सफाई है यार। सफाई नहीं कह रहा हूँ, लोग भी साफ हो गए हैं यहाँ, कोई वो है पपलती है दिखाई नहीं रहेगी। गाइस आप कैमरा फ्रंट कैमरा से दिखाते हैं कि क्या गुल भैया मुझसे, ये सही नहीं है। अबे कहाँ है सब लोग यार, सब मर गए क्या? उस साइड रहते हैं शायद यार, क्या जिस, अबे हेलमेट है यार वहीं पे। रुके राम बेचारा, बहुत साफ, बहुत ज्यादा कम लोग आए हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है, शायद ठंडी है। ये लता चौक, उसके सामने राम की पैड़ी, यहाँ पे दीप उत्सव होता है। गाइस हम लोग सोच रहे हैं सूरज को भी बुला लेते, लेकिन सूरज को जब बुलाओ तो कहता घूमने के लिए कुछ है ही नहीं वहाँ पे, एक तो उतना घूम लिया सब कुछ जानता है गाइस ये। हाँ भाई ये क्यों, ये देखो गाइस ये यहाँ से देखिए, डायरेक्ट कोई आया जिसने गाड़ी में ब्रेक लगा नहीं, सीधे अंदर जाएगा साइकिल से। नहीं भैया ये होती है जैसे लोगों का अपना वो होता है ना, हाथ पैर धुलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, तो जैसे वो थाली वाली तैराते नहीं है। अच्छा तभी वो तो उधर से भी तैरा सकते हैं ना। नहीं ये घाट जैसे ये बनाया गया घाट जैसे। डूड जिनका जो व्हील चेयर से आते हैं उनके लिए वो सीधे चले जाएंगे अंदर भैया, व्हील चेयर वाले यहाँ से ऐसे उतर के नीचे घाट पे ऐसे बनाया गया। कोई पकड़ा रहे वो, ये थोड़ी कह रहे अकेले जाओ ट्रिप मारने वाले, कोई पकड़ा रहे ऐसे करते हैं, कोई नहीं है, आदमी नहीं है। ये देखिए गाइस सोलर पैनल से चार्ज होता है, फिर उसी से लाइट जलती है, सब बस दीप वहाँ जा रहे हैं दीपोत्सव में। नहीं नहीं उधर भीड़ उधर रहती है ना, इधर नहीं रहती, इधर रहती है। ये क्या घूमने, ये पूरी रोड ही खाली रहे, ये रोड दिख रहे हैं चार लोग कहाँ है वे, वो चार लोग।
यहीं पे दिए जलाए जाते हैं। कितने दिए जलाए गए थे? 15 लाख ना? पता नहीं, जब मैं नहीं पहुंचा मैं गिन ही नहीं पाया। तुम गिनने के लिए आए ही नहीं थे गाइस, आए थे लेकिन ये भगा दिए गए थे। ये चाबी लेके चल, टूटना तो चाहिए। हाँ, कुछ बनेगा। क्या लगी, क्या बकवास है। इसको जानते कुछ ने बनवाया था, मुलायम सिंह यादव ने। लग क्या रहा है, यही सच्चाई। काफी सुंदर, सुंदरता भरा ये सीन रहा हमारा। और सीन जरा ये ऐसे ही होना चाहिए घूमने जैसे, उसमें इंस्टाग्राम पे लोग लगाते नहीं है क्या, पूरा पूल रहता है अकेले ऐसे करके, फिर उसकी रियलिटी दिखाते हैं कि असल में हजारों लोग भरे हुए हैं। तो अरे यार काफी सुंदर है यार ये, लेकिन ना सुंदर, लेकिन ना थोड़ी भीड़ और होनी चाहिए। भीड़ हाँ थोड़ी और, लेकिन नहीं गुलिया, भीड़ होनी चाहिए इस हिसाब से क्योंकि इसे डेवलप किया जा रहा है। पर ऐसे अच्छा तो ऐसे ही लगेगा मुझे, सादा ना, कोई ना रहे। मैं अकेले रहूँ ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन जा ही नहीं रहे। ठंडी भी है गाइस, इसलिए थोड़ा। वहां से आए थे गाइस हम लोग, ये सब व्हीलचेयर वालों के लिए, आपको पता नहीं। गाइस देखिए मार्केट लगी है छोटी सी, कोहरा यहाँ से बनता है गाइस। पूरे देश में यहीं से जाता है। पतंग कट गई क्या भाई इसकी? पतंग कट गई क्या दोस्त? नहीं गुलिया, डील अभी लो इसे, तुम जरा पतंग उड़ा दे थोड़ा सा। चार गुलिया भाई, थोड़ा थम भी उड़ा। ये देख सकते हैं गाइस, बच्चे की पतंग छीनी, चल रही, उड़ाने का सहूर नहीं है, छीन लिए हैं। दे दीजिए गुल भैया, बस हो गया भाई का। पार कर रहे हैं यार, पार ना करिए, दे दीजिए। किस क्लास में पढ़ते हो भाई? तुम में पढ़ते हो, और सही। ये देखिए, अच्छा बहुत बढ़िया। छुट्टी चल रही है क्या? हाँ, 15 दिन। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, सही है। बिग शॉट आउट, हम स्टडी को शॉट आउट दे रहे हैं। अगर आप कंफ्यूजन हो, शॉट आउट किसे दे रहे हैं लाले? हम पढ़ाई लिखे बच्चों को शॉट आउट दे रहे हैं, कैमरा लेके घूम रहे हैं, एजुकेशन को शॉट आउट दे रहे हैं हम। तो वो भी कैसी जगह पे, एक भक्ति की और उस वैसी जगह पे। ये देखिए भीड़ काफी है। प्रसाद 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 उठा ले। अरे यार, अरे दौड़ा भाई, वो नहीं जाए, वो नहीं आएगा, छोड़ दिया। अरे यार तू बाहर क्यों, यहाँ से ग्रैंड लगेगा गुलिया। बहुत गिटार विटार वाले भी हैं गुलिया। यार गुलिया दो दो तीन चार, चलिए ऊपर ऊपर नहाओगे? नहीं नहीं गाइस, इधर गाइस वो है क्या, सरयू नदी होगी, कोई नदी है, काट दीजिएगा, बहुत हमारी बदनामी होगी। नहीं सरयू नदी है गाइस इधर। गूगल कर, अभी नहीं होगा तो आप गूगल कर लीजिएगा, हमें मालूम नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सी नदी, हमें गाली दीजिए पर आप कमेंट करिए। Q&A का ये Q&A क्वेश्चन है। सरयू नदी का पानी यहाँ पे पंप किया जाता है। एक बार गाइस इसकी कंट्रोवर्सी हो गई थी, कटी मछलियाँ मिली थी, क्योंकि पंप जो है आपको पता है आपको किस लॉजिक पे काम करता है, पंखा उल्टा घूमता है तो पानी अंदर की ओर खींचता है। हाँ, तो जाली नहीं लगी तो मछलियाँ आ गई थी कटी हुई। अब पता नहीं जाली लगी या नहीं, वहीं पे मिली थी कहते हैं गाइस। वीडियो भी बना था उसका, व्हाट्सएप कमेंट करके बताइए जाली लगी, जाली लगी कि नहीं लगी, आओ उधर चलते हैं। गाइस गाइस इस चश्मे वाले को आप जानते ही होंगे, मेरे पुराने वाले ब्लॉग में ही आ चुके हैं। हाँ एक बार ब्लॉग में आ चुके हैं ना, अयोध्या से। कोलैबोरेशन कर लें क्या गाइस? ये देखिए अबे देव नहा लो यार भाई मेरी, देखिए वहाँ से पंप होता है फिर यहाँ से, ये हाइट पे है और नीचे थोड़ा नीचे है, तो ऊपर से जब पानी छोड़ा जाता है तो पत्थरों की वजह से जो है इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, तो उसमें सफ़ेद कलर आता है, देख सकते हैं आप। लाइट जल्दी और अच्छा लगता है गाइस रात को, बहुत ही सुंदर नज़ारा। अभी जब पानी की आवाज़, वहाँ पत्थर लगा हुआ है ना, बाइक की वहाँ पत्थर लगा हुआ है ना, जो उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है ना, मधुर आवाज़ आती है, कान को सुकून हो जाती है, जैसे लगता है झरना हो कोई, हालांकि झरना नहीं है, छोटा झरना है, छोटा झरना ऐसे टाइप का लगता है। और देखिए आवाज़ यहाँ तक आ रही है, अगर आप ध्यान से सुन पा रहे हो तो, अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है, आप थोड़े रईस
शाउट आउट टू बोट गाइस हम लोग शार्क टैंक भी शुरू हो चुका है, शाउट आउट शार्क टैंक को भी, हालांकि कल का एपिसोड में नहीं देख पाया भाई यार, तुम ही तो दिखा रहे हो पता है आपको क्या? ये घाट जो है इधर के इतने नहीं, पहले नहीं थे, नए बनाए गए ना, मतलब फिर से बनाए जा रहे थे, यहाँ पे भी उस वाले घाट पे भी बहुत उसका वो डिजाइन चेंज किया जाएगा पर्यटन के मुताबिक जो है। ये यहाँ तारक मेहता आता है वो बड़ी टीवी है अभी मेरा बस चले तारक मेहता लगा दे रात को, अभी आज दीप उत्सव चल रहा हो वह अभी वहाँ देखेगा, वह भाग गया छोटा तो बात करना सुनना सब हो गया है। और हम लोग जा रहे हैं बाइक की तरफ अपने, उसके फिर वहाँ से निकल लेंगे। ये देखिए पिल्ला है, पिल्ला है गाइस, हमको भाग रहा बेचारा, कितना छोटा है, पूछ हिला रहा है यार, बिस्किट विस्किट नहीं है ना खिला देते, कितना छोटा है, बैठ गया यार, काँप रहा बेचारा, या देखी गई क्या हुआ खेल रहा है, अभी डर काँप रहा है यार, ये ना ना अभी हम लोग जा रहे हैं अपने बाइक की साइड, फिर वहाँ से जाएंगे अपने अपने घर, फिर दे तुम्हारी ट्रेन कितने बजे से है? 5:30 बजे कंफर्म होगी टिकट कब होगी कब पता चलेगा गाइस, अभी जा रहे हैं दिल्ली 3 तारीख आज शाम को 5:30 बजे उनकी ट्रेन है, 13 को यानी कि वापसी है मजाक है, और कहते हैं हम मेरा जाना है 5 तारीख को सुबह जाऊँगा, 10 दिन बाद 15 को पावन अवसर पर फिर ये आएंगे, अप डाउन कर रहे हैं दिल्ली से ये, और फिर उसके बाद लाइफ वैसे चलेगी नॉर्मल, फिर आप लोग रहिएगा अपने अपनी जगह खुश रहिएगा, फिर हम लोग आएंगे दोबारा, कब आएंगे, होली होली में आएंगे, सब होली में आएंगे, फिर मिलते हैं, फिर घूमने वूमने चलते हैं, फिर दिखाएंगे आपको ब्लॉग, तो ये मान के चलिए लास्ट ब्लॉग है, इसके बाद जब हम लोग आएंगे तो दिवाली में ही कुछ होगा, दिवाली नहीं होली 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 में ही कुछ होगा, इलाहाबाद में भी है इलाहाबाद में ड्रग्स नहीं है भाई, ड्रग्स चल रहा है इलाहाबाद में, तो गाइस यही है, फिर यहीं से ब्लॉग ख़त्म होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, सो कट करके छोटा करना है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और क्या कहें, बेल आइकन दबाएं, इंडिया भी तस्जी को ही फॉलो करें, हमारा कहते हैं इंस्टाग्राम पेज है, और उसे ही फॉलो करके उसको बहुत बड़ा बनाइए, ठीक है, खत्म ही हो गया था लगभग, लेकिन एक और अयोध्या में आइकॉनिक प्लेस है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रंट कैमरे से, तो उसको एक बार एंजॉय कर लीजिए, फिर वहाँ से ब्लॉग खत्म, गाइस यहाँ पे ये यहाँ से अयोध्या का अयोध्या धाम का में आपका स्वागत है लिखा है नगर निगम अयोध्या, और ये रह दो